अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, हमें कुछ सामान लेना है और अपनी अम्मी के लिए कुछ मेडिसिन लेनी है और उसके बाद ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लेना है। तो हम जाएंगे बिन हाशिम, अभी हम लोग घर पर हैं और यहाँ से निकलेंगे और इंशाल्लाह खैर ऑफिस से अपने घर वापस आएंगे। तो बस आज का ये व्लॉग इसी पर है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब अपने कदमों को बढ़ाना है, हमें घर से बाहर जाना है और घर से बाहर जाकर अपनी मंजिल की जानिब जाना है। देन जो जो सामान हमने लेना है वो लेकर वापस अपने घर आना है, ठीक है। तो आइए चलिए अब हम अपने सफर का आगाज करते हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले आइए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स हम लोग अपने घर से बाहर आ चुके हैं। हमारी जो ये गली का बल्ब है बहुत अच्छे से पहले जलता था, पूरी गली में रोशनी हुआ करती थी, लेकिन ये खराब हो चुका है। तो हमें अपने वॉचमैन से इसकी भी बात करनी है कि वो। तो अभी हम लोग अपनी गली में ही हैं और चलते हुए जा रहे हैं, अभी हमें रोड पे जाना है, इसके बाद फिर हम बिन हाशिम जाएंगे, वहाँ से मेडिसिन लेंगे और फिर उसके बाद ग्रोसरी का थोड़ा बहुत सामान लेना है, फिर वहाँ से लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ ही रहिएगा। अभी भी हम लोग अपनी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, बस हमें अपनी सोसाइटी से निकलने में 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, उसके बाद जाके बूंदाबांदी होता है। बस बारिशों का मौसम है तो कभी हल्की हल्की बूंदाबांदी, कभी तेज़ बारिश शुरू हो जाती है। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बिन हाशिम पहुंच चुके हैं, अब हम इसके अंदर जाएंगे और अपनी मेडिसिन लेंगे और ग्रोसरी का सामान लेंगे। फाइनली हम लोग बिन हाशिम पहुंच चुके हैं, अब हम जाएंगे अंदर अपना सामान लेंगे। ये अम्मी सामने खड़ी हुई और मेडिसिन ले रही है। अब मेडिसिन हमने ले ली है, अब बिलिंग करनी है। बिलिंग के लिए रिमशा यहाँ पे खड़ी हुई है लाइन में और ये बिलिंग करेगी अब। फार्मेसी की तरफ काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा है, मैं रिमशा का यहाँ वेट कर रही हूँ, बिलिंग करके आएगी तो उसके बाद हमने बाकी सारा सामान देख लेंगे क्या क्या लेना और क्या क्या नहीं। फाइनली रिमशा का नंबर आ चुका है, अब रिमशा बिलिंग करेगी, हम यहाँ से मेडिसिन लेंगे और फिर बाहर जाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने मेडिसिन ले ली है और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी चीज़ें देखते हैं कि हमें और क्या क्या लेना है और फिर आपको बताएँगे कि हमने क्या क्या लिया। अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं, देखेंगे हमें ऊपर से क्या क्या लेना है। रिमशा क्या लेने जा रही हो ऊपर? तो मुझे अपने लिए कुछ स्लीपर्स देखनी थी लेकिन यहाँ कुछ खास नहीं मिल रहा मुझे, देखते हैं फिर आगे कहीं अगर मिल जाए कुछ। तो हमें बटर लेना है और हम यहाँ बटर लेने आए हैं, तो हम देखते हैं कि हमें कौन सा बटर लेना है। फाइनली अमरीन बटर निकाल रही है और अब बटर लेकर हम लोगों ने कुछ लेना हुआ तो ले लेंगे वरना सीधा घर। तो अब हम लोग बिन हाशिम से बाहर आ चुके हैं और बाहर आए थे, यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं खाने पीने के लिए, बस यहीं पे बैठ के हमने कुछ खाना है और फिर अपने घर रवाना हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ हम लोग क्या खाएंगे और फिर इसके बाद 2-3 चीज़ें जो स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये है देखें, सामने बर्गर बन रहे हैं और यहाँ पे जो है शॉर्मा वगैरह मिल जाता है, वहाँ पे चिप्स वगैरह हैं। तो ये 2-3 स्टॉल हैं और इस तरफ ये बिन हाशिम है, ठीक है। तो बिन हाशिम के साथ में ये 2-3 स्टॉल्स लगे हुए हैं और यही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इसलिए हम यहीं पे बैठकर आराम से खाएंगे और देन घर जाएंगे। तो ये रिमशा का अंडे वाला बर्गर आ चुका है, जो कि बहुत ही फेमस है, कराची का फेमस बर्गर होता है ये। और ये है सादा बर्गर, क्योंकि मुझे और मेरी छोटी सिस्टर को सादा बर्गर पसंद है, हम लोग घर से खाना खा के आए हुए थे तो हम लोग आधा आधा खाएंगे और अब हम खाना स्टार्ट करते हैं। तो रिमशा खाना स्टार्ट करें जी, रिमशा बिस्मिल्लाह करें। तो रिमशा का फेवरेट बर्गर है और अभी हम लोग भी स्टार्ट करेंगे खाना। तो रिमशा ने आज काफ़ी टाइम बाद अपना फेवरेट बर्गर खाया, तो रिमशा कैसा लग रहा है आपको? आपको पता है मुझे अंडे वाला बर्गर बहुत पसंद है और बहुत मज़ेदार है। अच्छा जी, तो ये आप लोग देख लें, इस स्टॉल से हमने खाया है, इसका नाम है यूनिक बर्गर, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा रिमशा के कहने पर, बहुत टेस्टी है जरूर। तो मैं अपना बर्गर खाने जा रही हूँ और मैंने टेस्ट किया, बहुत अच्छा है। इन
बर्गर्स की भी अपनी ही बात होती है, हम मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग इसे बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन ये बहुत कम जगहों पर अच्छा होता है, बहुत कम लोगों को आर्ट आता है ये बनाने का, है ना रिमशा? बहुत मज़ेदार है भाई, मैं तो खा रही हूँ। रिमशा कह रही मुझे खाने दो, डोंट डिस्टर्ब मी। तो ठीक है, अभी बस हम लोग ये खा के अपने घर के लिए निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, बर्गर हो चुका है हमारा फिनिश और अब हम वेट कर रहे हैं किसका? सोडे का। जी हाँ, तो रिक्शा को सोडा बहुत पसंद है। जी हाँ, तो रिक्शा को लिमका या सोडा जो भी कहने बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रिक्शा आपने सोडे का वेट करी, कौन सा फ्लेवर मंगवाया आपने? लाइची नहीं, रूबी। रिक्शा का जो मसला होता है वो भूल जाती है, उसको पसंद कुछ और होता है, ऑर्डर कुछ और। मैं भूल जाती हूँ, मुझे भूलने का मसला है, बहुत ज़्यादा मसला है। ठीक है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं इसके लिमका का, लिमका पीकर फिर हम घर चलेंगे। ठीक है रिमशा, तो रिमशा का लिमका जो है आ चुका है और रिमशा अपनी लिमका पी गई। ठीक है, बताएं रिमशा कैसा है, मतलब इसे पसंद आएगा नहीं आएगा, ऐड करेंगे मुझे ना देखो। मुँह जैसा बनाया है, लग तो नहीं रहा रिमशा, बस ठीक है। इसे बहुत कम जगहों की पसंद आती है चीज़ें, बर्गर लिमका ये सब चीज़ों से बहुत कम जगहों की पसंद आती है। बस ठीक है, सही है। हाँ बस सही है, इतना ज़्यादा मतलब इसको पसंद नहीं आया, तो ठीक है बस गुजारा हो जाएगा। रिमशा का गर्मी के लिहाज से तो बेस्ट है वैसे लिमका, ठंडा ठंडा सा कूल कूल, और उसने बर्फ भी बहुत डाल दिया। तो रिमशा को बर्गर खाने के बाद भी भूख लग रही थी। रिमशा अब मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। चिप्स खाने आई हुई है रिमशा, आप चिप्स क्यों खाने आई हुई है? मुझे चिप्स पसंद है। तो बस यहाँ पे अभी चिप्स बन रहे हैं, चिप्स बनने के बाद ये खाएगी, यहाँ से लेके जाएगी और फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। तो रिमशा को अपने चिप्स मिल चुके हैं, रिमशा के चेहरे पे स्माइल देखें, सिर्फ चिप्स की वजह से उसके चेहरे पे स्माइल आई है। नहीं ये मेरे नहीं, ये उसके छोटी के और मेरे ही है। हाँ छोटी चली गई, आ जाओ। तो अब हम जा रहे हैं रस्ते में चिंची की तरफ, चिंची में बैठ के हम लोग अपने घर पहुँचेंगे। तो ये हम लोग चिंची में बैठे हैं और अपने घर की जानी दवा दवा हैं और अपने घर पहुंच जाएंगे बस कुछ देर में। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ रिमशा बैठी हुई है और ये रास्ता है बाहर का, बस बहुत जल्द हम अपने घर पहुंच जाएंगे 5 से 10 मिनट में, फिर आपको घर पहुंच के वीडियो दिखाएंगे। ठीक है तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं वापस और हम लोग टाइमली घर भी पहुंच गए और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें हमने लेनी थी, ग्रॉसरी का सामान तो आज नहीं ले सके लेकिन मम्मा की मेडिसिन भी आ चुकी हैं, रिमशा की भी मेडिसिन आ चुकी हैं और सबसे बड़ी बात रिमशा ने अंडे वाला बर्गर भी खा लिया, अंडे वाला बर्गर भी खाया, निमका भी पिया है और फिर मैंने चिप्स भी खाया। हाँ क्योंकि इसे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, स्पेशली अंडे वाला बर्गर तो उसका फेवरेट है। जो भी बर्गर रख दो, किसी भी अच्छी जगह बर्गर रख दो, एक इसे KFC का जिंगर पसंद है जो लाइट सा होता है और एक इसे अंडे वाला, बस ये दो इसके फेवरेट है, इसके अलावा इसे कुछ भी पसंद नहीं आता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं, 8:15 बजे हम लोग घर से निकले थे और अभी 9:15 हो रहे हैं, हम घर पे पहुंच चुके हैं क्योंकि बिन हाशिम मार्ट जो है हमारे घर के बहुत ही पास में है, तो जब भी हमें कुछ भी लेना होता है तो बहुत आसानी रहती है। तो रिमशा आपका पूरा सफ़र किस तरह से रहा? बहुत अच्छा रहा, मैंने तो बहाने मिल गए मुझे इतने सारा खाने का भी, कभी मैं बर्गर खाने लग गई, कभी मैंने निमका पिया और फिर मैंने चिप्स खाए, तो बड़ा मज़ा आया। हाँ तो छोटा सा सफ़र था, छोटा सा टाइम था जो हमने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया और फिर आपसे अपनी वीडियो ही शेयर की और आपसे अपनी वक्त और ये सारे लम्हात आप सबसे शेयर किए, और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनमें बंदा इंजॉय कर लेता है, चाहे वो अंडे वाला बर्गर ही क्यों खा के ना हो। बिल्कुल, छोटी छोटी बातें बहुत ही आपके लिए यादगार बन जाती हैं, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ें याद आती हैं। और फिर टेस्ट की बात होती है, अपनी अपनी पसंद की बात होती है, इसे ले जाकर कहीं भी किसी भी अच्छी जगह बर्गर खिला दो, इसे नहीं आता पसंद, बहुत मुश्किल है कि इसे कोई चीज़ फास्ट फूड में स्पेशली से कुछ पसंद है। बारबेक्यू तो इसका फेवरेट है लेकिन फास्ट फूड इसे बहुत मुश्किलों से कुछ पसंद आता है। तो फाइनली और पिज़्ज़ा मुझे कौन सा पसंद आता है? हाँ पिज़्ज़ा, इसे पिज़्ज़ा मैक्स का, ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा से सबसे बुरा लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सॉसेज वगैरह ऐड होते हैं और वो मेरा फेवरेट है। तो हम लोग जब भी पिज़्ज़ा खाने जाते हैं तो हमारी इसी बात पे होती है, एक तरह से आप बहस कह लें, मैंने यहाँ जाना है मैंने वहाँ जाना है, तो फाइनली एट द एंड किसी ने किसी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ बस यही इसका इशू है कि मिर्ची वाली नहीं खाती और हमें थोड़ा चटपटे से पसंद है, मुझे मेरी छोटी सिस्टर को
और मेरी मम्मा को हमेशा वो कोशिश करते हैं कि चटपटा सा कुछ खाएं और अच्छा सा टेस्ट हो जाए मुँह का, बट इसे नहीं पसंद, इसे ना ही बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है और ना ही बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है। हमने बहुत इंजॉय किया और फिर हमने वीडियो बनाते बनाते भी बहुत इंजॉय किया बहुत ज़्यादा, और आप सबसे शेयर करके भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक का था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारा साथ पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली के साथ शेयर, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। तो अभी हम लोगों की ब्लॉगिंग का स्टार्ट चल रहा है, तो कुछ चीज़ें हमने खुद से सीखनी है, कुछ साथ साथ सीखेंगे, कुछ टाइम बाद सीखेंगे, तो आपने हमारे साथ रहना, इसी तरह से बनते रहना और हमें सपोर्ट करते रहना। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।